प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध एवं विभिन्न विभागों के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुरक्षा, विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने में मोदी योगी सरकार का कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि जनता उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार बनाने के लिए उत्सुक है। करहल से काशी तक कहीं भी जनता के बीच जाइए, हर जगह भाजपा ही भाजपा है। लोग समझ गए हैं कि परिवारवाद व विकासवाद में क्या अंतर है। लोगों का उत्साह भाजपा में दिखाई दे रहा है। शनिवार को गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी के क्षेत्रीय मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारों में रेप करने वालों को कहा जाता था युवा है, गलती हो जाती है। अब महिलाएं सिर उठाकर बेखौफ चल रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा, उनके मान सम्मान को सपा सरकार में नजरअंदाज किया गया। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर क्या जिक्र होता था, यह सभी को पता है। आज लोगों से पिछले 5 वर्षों में किए गए विकास से उसके पहले के विकास की तुलनात्मक चर्चा करें, जनता खुलकर सब कुछ बता देगी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, यहाँ का वातावरण देख ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस गोरखपुर के मतदाताओं से अनुरोध है कि पिछले 5 वर्षों में गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के दृश्य की तुलना 2017 से पहले के 5 साल से जरूर करें। उस समय की समाजवादी सरकार माफिया और गुंडा सरकार के नाम से चर्चित थी। सबसे अधिक शर्मनाक बात तो यह थी कि कहा जाता था कि बहु बेटियों की खिल्ली उड़ाने वाली सरकार है। इन्हीं की पार्टी के एक नेता ने रेप के मामले में कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इसे नजरअंदाज करना चाहिए। जबकि भाजपा सरकार में महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए हर मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि गोरखपुर की दशकों की मांग खाद कारखाना एम्स से लेकर कुशीनगर एयरपोर्ट तक का शुरू होना योगी जी और मोदी जी के कुशल नेतृत्व की ही देन है। हमारी सरकार की मंशा है कि जिस चीज की जहां मांग हो वो वहां पहुंचे, हर वर्ग का विकास हो और हर वर्ग में खुशहाली आए, यही हमारा लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी स्तर पर कुछ निर्णय लिए गए हैं, उसके मुताबिक डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी वो तो निरंतर चलती ही रहेगी। इसके साथ ही कई अन्य तमाम योजनाओं को लाकर गोरखपुर को विश्व फलक पर चमकाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून का राज स्थापित किया है। हम गंभीरता से विचार करें तो हमें यह बदलाव स्वयं दिख जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के समक्ष सही विकल्प है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। जिस गति से उत्तर प्रदेश में विकास की गाड़ी दौड़ रही है उसके लिए जरूरत है कि हम सब मिलकर योगी आदित्यनाथ को और मजबूत बनाएं। एक सवाल के जवाब में कहा कि लोकतंत्र का यह उत्सव है, यहाँ जो भी उतरता है वह यही कहता है कि हम जीत रहे हैं। भाजपा चाहती है कि तुष्टिकरण किए बिना प्रत्येक योजना का लाभ सबको मिले। मोदी ने देश को विकास की दिशा दी है, हम पिछली बार की अपेक्षा कई गुना वोट से जीत रहे हैं। पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनने जा रही है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शमीर सिंह, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर बच्चा पांडे नवीन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, आप कब से सर? 1 साल हो गया। आप गए और सुना कि ये चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि क्या हमें पुनः उसी व्यवस्था में जाना है जिससे बड़ी मुश्किल से हमें निजात हासिल हुई और 5 वर्ष एक विकास यात्रा पर प्रदेश निकल चला है, क्या उसमें कोई विलंब अथवा विघट डालने की विनती को खड़े होकर के हम केवल यही इतना संकल्प कर सकते हैं कि मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में और योगी जी की अगुवाई में जिस प्रकार मुख्य धारा का हिस्सा बनकर के सुरक्षित वातावरण में आगे बढ़ रहा है, हम सब नागरिक होने के नाते भी इसमें अपना योग। गोरखपुर के मीडिया मित्रों,
सबको प्रणाम नमस्ते। योगी आदित्यनाथ जी का चुनावी क्षेत्र है और जिस तरह का वातावरण है आप सब उससे परिचित हैं, बहुत अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरे हैं अभियान के लिए, भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा भी होती रही, आप मित्रों ने आकलन भी किया है। बड़ी लंबी बात ना करते हुए मैं मात्र आपसे इतना निवेदन करूंगा कि हम लोगों में जाकर के केवल उनसे इतना अनुरोध करें कि पिछले 5 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का जो दृश्य रहा, स्वरूप रहा, उसकी तुलना उससे पहले के समय से करें तो सबकी सारी की सारी बात उनके ध्यान में आ जाएगी। आज से 5 वर्ष पूर्व मोदी जी के मार्गदर्शन में जब से योगी जी ने सरकार संभाली उससे पहले का क्या दृश्य था, उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी, क्या चर्चा थी, किस लबो लहजे में उत्तर प्रदेश का जिक्र होता था, उल्लेख होता था कहीं भी देश में, जब भी कहीं इसका जिक्र आता, इसका उल्लेख आता। और उस समय की जो सरकार थी समाजवादी सरकार, उसको लेकर के किस किस प्रकार की टिप्पणियां होती थी, बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 5 साल से पहले के समाचार पत्र देखें तो तब भी आपको वो भिन्न भिन्न उल्लेख और भिन्न भिन्न टिप्पणियों का संदर्भ उपलब्ध हो जाएगा। कहीं कहा जाता था ये माफिया सरकार है, कहीं कहा जाता था ये गुंडा सरकार है, कहीं कहा जाता था ये अवैध भूमि कब्जा करने वाली सरकार है, कहीं कहा जाता था तुष्टीकरण की सरकार, कभी कहा जाता था भ्रष्टाचार की सरकार, कभी कहा जाता था कि रीति रिवाज संस्कृति तहजीब को तहस नहस करने वाली सरकार, और सबसे अधिक शर्मनाक बात कि ये भी कहा जाता था कि बहु बेटियों की इज्जत की खिल्ली उड़ाने वाली सरकार। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एक बार जब एक दुष्कर्म हुआ एक महिला के साथ, तो इन्हीं के पार्टी के कुछ एक वरिष्ठ नेताओं ने ये टिप्पणी की थी कि लड़के हैं लड़कियों से गलती हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि अपोलोजिटिक जस्टिफिकेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। बजाय इसके कि महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको आश्वासन दिया जाए, उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया जाए या उस तरह का बंदोबस्त किया जाए, ये उसके विपरीत ये कहने का प्रयास किया जा रहा था कि यदि कोई दुष्कर्म होता है या महिलाओं के खिलाफ कोई जुर्म होता है तो उसको नज़रअंदाज किया जाए। उसके विपरीत आपने देखा, और आज टीवी चैनल भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट सर्वेज इंडिपेंडेंट इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं छात्रों से विद्यार्थियों से युवाओं से, हर वर्ग के लोग ये कहते हैं कि जितना सुरक्षित इन 5 वर्षों में महिलाएं कर रही हैं इतना कभी देखने को नहीं मिला। तो अब ये फैसला जनता पर है कि हम किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की वो लोकहित की जनहित की योजनाएं जो पूरी तरह से धरती पर नहीं उतर पा रही थी, योगी जी के नेतृत्व में उन्हें भी लागू किया गया। लगभग 2-2.5 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन, और अब उज्ज्वला 2 भी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, विकास के जो कार्य पिछले 5 वर्षों में हुए, अगर आप गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में को ही लेकर के इतने वर्षों से कई मांगे चल रही थी। उदाहरण के तौर पर खाद्य कारखाने की मांग यहाँ 30 वर्ष से चल रही थी। आप मीडिया मित्र जो उससे भली भांति परिचित है, कितने वक्तव्य दिए गए, कितने विज्ञापन दिए गए, लेकिन ये कार्य पिछले 5 वर्षों में हुआ। इसी प्रकार कुशीनगर 50 किलोमीटर बगल में आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कभी किसी ने कल्पना की कि क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई सरकारें इस प्रकार की सोच नहीं रख सकती। ये भाजपा के नेतृत्व की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, जिसे मोदी जी ने ये सिखाया था कि जहाँ जिस चीज़ की कमी रह गई उसकी भरपाई करनी है, जो कोताही रह गई उसकी भरपाई करनी है, जिस चीज़ की जहाँ आवश्यकता है वो वहाँ पहुँचे, हर वर्ग के साथ न्याय हो, हर वर्ग को यथा योग्य सम्मान प्राप्त हो। इसी प्रकार एम्स की स्थापना कल्पना से बाहर था, ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी यहाँ से कोसों दूर था। चौकी चौरा जैसा स्थल
जो हमारे इतिहास से भी जुड़ा है, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संघर्ष के साथ भी जुड़ा है, उसको सम्मान देने का कार्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको विरासत बना करके स्थापित करने का कार्य इन्हीं 5 वर्षों में हुआ। मैं बहुत अधिक बात ना कहते हुए मात्र चूँकि इस समय हम गोरखपुर की धरती पर बैठ करके बात कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को वही सीमित करूँगा। लेकिन ये भी साथ में आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पार्टी स्तर पर कुछ एक निर्णय लिए गए हैं, जिनमें एक ये भी है कि जो योजनाएं, जो परियोजनाएं मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी, गोरखपुर में लागू की गई थी, उनको तो जारी रखा ही जाएगा। उसके अतिरिक्त कि ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, उदाहरण के तौर पर गंगा एक्सप्रेस और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, इनका भी निर्माण कार्य संपन्न किया जा सकेगा। जब एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में भी हो, एक ही पार्टी की सरकार प्रदेश में भी हो, जब मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में हो और योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में हो, तो समन्वय जिस प्रकार का बनता है उसकी अपेक्षा किसी और व्यवस्था में नहीं की जा सकती। और इसलिए संक्षेप में मैं मात्र इतना कहूँगा कि जो कानून की व्यवस्था, जैसे मैंने कहा कि पहले कहा जाता था कि ये दंगा सरकार है, ये माफिया सरकार है, अवैध भूमि कब्जा करने वाली सरकार है, ये गुंडा सरकार है, धौंस सरकार है, परिवारवादी स्वार्थों की सरकार है, और सर्वाधिक शर्मनाक के बेटी बहुओं की इज्जत की खिल्ली उड़ाने वाली सरकार, आज उसके विपरीत एक चित्र स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश जिस सम्मान का हकदार है आरंभ से, प्राचीन समय से, वो पिछले 5 वर्षों में बहाल करने का प्रयास हुआ है। मुझे लगता है कि यदि हम गंभीरता से विचार करें तो हमारा धर्म कोई भी हो, जात कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, हमें स्वयं समझ आ जाएगा कि इस समय हमारे पास सर्वश्रेष्ठ यदि कोई विकल्प है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में रहे, योगी जी का नेतृत्व राज्य में रहे, और विकास की यात्रा जो पिछले 5 वर्षों में एक तीव्र गति से चल रही है उसमें हम सब अपना योगदान कर सकें।